अब जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है ध्रुव, मराठी में आवेश, इंग्लिश में जील और उर्दू में जुनून या गैरत। अब इस विषय के ऊपर अध्ययन करने के पीछे का कारण यह है क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर से ये बात कम हुई है, कुछ लोगों के अंदर से ये बात चली गई है। अब इसके कारण जो प्रभु में जिस तरीके से लोग चलते थे, इन दिनों में मर्जी में आए वैसा लोग चल रहे हैं। और इसीलिए हमें फिर से उस परमेश्वर की धुन में आने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को हमें दिया है ताकि हम हमारे जीवन को बदल कर एक अच्छी राह पर चलना शुरू कर दें। तो आइए वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 119 और वचन 139। मैं तेरी धुन में क्या हो रहा हूं, भस्म हो रहा हूं। अब भजन संहिता 69 में ऐसा लिखा है कि मैं परमेश्वर के घर की धुन में भस्म हो रहा हूं। हालेलुया। इस वचन को इसलिए मैं लाया है कि हम पिछले दो संडे से परमेश्वर के भवन की धुन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम भवन से, जिस भवन में वो विराजमान होता है, जिस भवन में उतर कर आता है, हम उसके करीब आकर आज हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु अभी मुझे समझ में आया है मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। आमीन। मतलब मेरी धुन में मुझे भस्म किया है। सवाल ये कि क्या हमारे भीतर वो धुन आई है, क्या हमारे भीतर वो सील काम कर रहा है क्या? क्योंकि वो धुन जो है हमें बच्चे के नाई प्रभु के पास लाती है। ब्रदर को वो धुन क्या करती है, हमें पागल पर के नाई प्रभु के पास लाती है। जब वो धुन होती है ना, तो बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, धूप का समय हो, ठंडी का समय हो, इन सभी बातों में वो पागल पर वो बचपन इन बातों को देखता नहीं, तो प्रभु की धुन में प्रभु के समय पर प्रभु के भवन में पहुंचती है। हालेलुया। और आज आपकी जरूरी बात क्या है, आपकी हीलिंग मिरेकल भविष्यवाणी नहीं, तो आपको फिर से उस धुन में आना होगा। जब आप उस धुन में या उस जुनून में आओगे तो आपके अंदर वो विवेक आएगा। अब जुनून और विवेक एक साथ आता है तब जाकर एक शिष्यत्व का जन्म होता है। अब तब जाकर हम तभी से प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बात पर हमने बहुत गहरा अध्ययन किया है। अब इन दिनों में शायद हमारे अंदर आत्मिक धुन से अधिक संसारिक धुन ने जन्म लिया होगा। अब संसारिक धुन ने आज भले हम कहते अपने आप को विश्वासी या प्रभु के चेले या क्रिश्चियन, लेकिन मेरे भीतर आत्मिक बातों से अधिक अगर संसारिक बातों का प्रभाव दिख रहा है तो ये मेरे लिए चिन्ह है या सबूत है कि मैं संसारिक बातों में बहुत उलझा हुआ हूं। अब ये वचन इसलिए आया है, जो हमने लाओदीकिया की कलीसिया को प्रभु ने जो डांट लगाई, उस डांट लगाने के पीछे का कारण नंबर है जो प्रकाशित वाक्य 3:19 में वो कहता है, मैं तुझसे अधिक प्रेम करता हूं इसीलिए तुझे मैं ताड़ना देता हूं, उलाना देता हूं, ताकि तू फिर से सरगर्म हो जा और अपने मन को फिरा। क्योंकि संसारिक धुन ने मेरे आत्मिक जीवन को कहीं ना कहीं गुनगुना बनाया है। अब प्रभु का वचन कहता है ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से जैसे उल्टी की जाती है वैसा मैं उल्टी के समान उगलने जा रहा हूं। इसलिए उगलने जा रहा है कि कहता है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, तू निम्न गर्म है। इसलिए मैं परमेश्वर कहता है कि मैं इसीलिए उलाहना दे रहा हूं, इसीलिए मैं डांट रहा हूं कि तू फिर से गर्म हो जाओ पवित्र आत्मा की अग्नि में और फिर से मन फिराकर एक नई शुरुआत कर दे। हमें किसी को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी को अपनी बातों की गलती बताने के लिए नहीं, तो यह परमेश्वर का वचन डायरेक्टली आया है और कलाम कहता है कि वो प्रेम करता है इसीलिए उलाहना और डांट देता है। आमें। क्योंकि किसी बाप की इच्छा नहीं कि उस बच्चे का
नाश हो। इसीलिए कभी कभी प्यार करने वाला बाप भी डांट देता है क्योंकि उसकी मर्जी है कि उस बच्चे का जीवन सुधर जाए। यदि संसारी बाप की यह मर्जी भले वो पियकड़ बाप क्यों ना हो, लेकिन वो पियकड़ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा भी पिए। वो तो आसमानी बाप है जिसने हमारे बचाव के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज संसारी धुन में आज बड़ी बड़ी बातें कहीं ना कहीं कलीसिया में आई है। मैं अन्य जाति की बात नहीं कहूंगा। क्या मेरे अंदर ऐसी भी बातें हैं जो मेरी पॉपुलरिटी के लिए मैं जी रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी के लिए जी रहा हूं, या केवल प्रॉस्पेरिटी के लिए जी रहा हूं? जैसे आज संसार धन दौलत के लिए दौड़ रहा है, हमें दौड़ना है। लेकिन पहले पहाड़ी के प्रवचन में यीशु मसीह ने कहा है कि प्रथम तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो, फिर ये बातें तुम्हारे पास आएगी। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये सारी चिंता अन्य जाति करती है। लेकिन जो यीशु पे ईमान रखता है उसको पता है फिलिप्पियों 4:19 के अनुसार मेरी सारी जरूरत मसीह यीशु में जलाल के साथ पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम थोड़ा अब आगे जाएंगे और हमने जैसे पिछले संडे जहां पर हम रुक गए थे, हमने पौलुस की धुन के ऊपर अध्ययन किया। और पौलुस एक ऐसी धुन में जीवन जीता था जिसके बारे में फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय और वचन 6-8 में हमने कुछ वचनों को पढ़ा। और पौलुस की धुन को हम देखेंगे फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय वचन 8-11, उसकी 4 धुन हम देखेंगे। वरन हाँ, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन, हालेलुया। हमने इस बात को देखा था, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। आप पौलुस की धुन को समझो। मैं धीरे धीरे आपको केवल आपके अंदर से संसारी धुन है ये बातें बताने के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैं पौलुस की धुन के बाद आपके जीवन से धुन जाने के कारण भी बताऊंगा, ये जुनून क्यों कम हुआ ये भी बताऊंगा, और उसके आगे ये भी बताऊंगा कि उस जुनून को फिर से कैसे हासिल किया जाए, इसे भी हम सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे 3 बातें हमें दिखती है। नंबर 1, उसके अंदर वो धुन है, वो कहता है कि मसीह को प्राप्त करूं। धुन नंबर 1 जो लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। धुन नंबर 2, वो कहता है मृत्युंजय का सामर्थ एवं उसके दुख के सहभागी होने का मर्म जानूं। धुन नंबर या जुनून नंबर 3, वो कहता है कि पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूं। एक बड़ी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वो हजारों चर्च को स्थापित करने वाला, सैकड़ों सेवकों को खड़ा करने वाला, तीसरे स्वर्ग तक जाने वाला, मरे हुए मुर्दों को जिंदा करने वाला, उसके शरीर पे से कपड़े घुमाकर लोग चक्के होते थे, इतने अद्भुत अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति दुनिया की बातें या अपने अभिषेक की बातें या मिनिस्ट्री की बातें कह रहा है कि मैं पुनरुत्थान के काबिल बनूं। और चौथी बात, दूसरा करिन्थियों 5:8-9 में वो ऐसा कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग
मन की उमंग की जगह पर मन की धुन भी कह सकते हो आप। हमारी मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हालेलुया। फैसला दूसरा करिन्थियों पांचवा अध्याय 8 और 9 में वो क्या कहता है पता है? वो कहता है हम देह में रहे, मतलब जिंदा हालत में रहे, या देह के बिना रहे, मुर्दा हालत में रहे, वो ये कहता है कि हमारे मन के अंदर वो जुनून या वो उमंग है कि चाहे साथ रहे या इस जीवन से चले जाए, हम उसे भाते रहे। मतलब जीवित दशा में भी और जीवित दशा को खत्म करने के बाद भी वो कह रहा है कि हमारा धुन हमारा जुनून ये होना चाहिए कोई मुझसे खुश होना हो, लेकिन जिसने मेरे लिए बलिदान दिया है वो मेरे जीवन के हालात में खुश हो, ऐसा मेरा अंदर धुन होनी चाहिए। हालेलुया। अब कभी कभी इंसानों को खुश करने वाली बातों में बहुत समय बिताते, उसे क्या लगेगा इसे क्या लगेगा, पौलुस इन बातों में समय बर्बाद करता नहीं। जिसे भावनात्मक बातें या जज्बाती बातें कहा जाता है, पौलुस कहता है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे मन के अंदर वो जुनून है कि मैं उसे भाता रहूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये चार गुण हमें पौलुस के अंदर दिखती है। अब जब मैं सोच रहा था मसीह को प्राप्त करना मतलब क्या, उसके अंदर जो पहली धुन है उसको अगर सही भाषा में समझना है तो उसको यह कहना है मसीह को प्राप्त करना मतलब हर दिन मैं घटू और वो बढ़े, संसार घटे और आत्मा बढ़े, ये उसका एक लाइन में आंसर है। आज मैं दोपहर में बहुत अच्छे समय प्रार्थना में बिता रहा था और प्रभु को पूछ रहा था आज शाम को कलीसिया को ये बातें कैसे बताओ। वहां पे लिखा है कि मैं दुनियादारी को कूड़ा समझता हूँ, लाभ की बातों को मैं हानि की समझता हूँ, लेकिन ये बातें थोड़ा समझने के लिए शायद कठिन है। इतने सिंपल में पवित्र आत्मा ने बताया पौलुस मसीह को प्राप्त करना मतलब ये कहता है जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यीशु मसीह को देखकर कहा मैं घटू और तू बने। ये मेरे जीवन में केवल संडे को नहीं होना चाहिए। संडे में देते भी कितना समय, 2 घंटा कंप्लीट दिए क्या हमने? क्या हम स्टार्टिंग को एंड तक प्रभु को समय दिए क्या? हम दिन भर के जीवन में जीते हैं मंडे टू सैटरडे। हमारा जीवन मसीह को हर दिन प्राप्त करना मतलब परिस्थिति कुछ भी हो मैं घटू वो बने। हालेलुया। दूसरी बात को कहता है मैं मृत्यु जी की सामर्थ्य एवं दुख की सहभागी का मैं होने का मन मचानू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक लाइन यह है कि मैं खुद का मालिक नहीं हूं, मेरा मालिक मेरा यीशु मसीह है। कभी कभी हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन हम हमारा अधिकार या हमारा मालिक होने की बातों को कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं। समझ में आ रहा है लोगों को? उस मर्म को जानना मतलब उस मृत्युंजय का सामर्थ्य है जो मेरे गुनाहों को क्षमा करता है, जो मुझे पुनरुत्थान का वारिस बनाता है, जो मुझे उसके राज्य में लेके जा सकता है। मैं खुद का मालिक नहीं हूं। करिन्थियों 6:19 ऐसा कहता है कि तुम मोल देकर खरीदे गए हो। हालेलुया। मेरे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए अपने आप का इनकार करते हुए जो अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे आएगा वही मेरा चेला हो सकता है। कभी कभी हमारा ज्ञान हमारा मालिक बन जाता है, कभी कभी हमारे धन दौलत हमारा मालिक बन जाता है, उसके ऊपर हम कहते हैं हाँ मेरे पास ये है, हमें दी गई पढ़ाई लिखाई वो उसके ऊपर हम कहते हैं हम मालिक है। पौलुस कहता है इन सब बातों को मैंने कूड़ा समझा है, डस्टबिन में डालने वाला कूड़ा। उसका सीधा मतलब यह होता है मैं खुद का मालिक नहीं हूं, मैं इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मालिक एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अपने मौल्यवान लहू से मुझे खरीदा है। आमीन। तीसरी बात वो क्या कहता है कि मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचू, इसका मतलब क्या? ये बातें हमें बार बार आगाह करने के लिए बताई जाती है कि इस संसार में मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचू मतलब क्या? पुनरुत्थान कब होता है? यदि मैं जिंदा हालात में हूं और यीशु मसीह यदि है और मैं यीशु मसीह के साथ हर दिन मैं घटू अब वो बढ़े ये जानकर जी रहा हूं, हर दिन मैं ये समझता हूं मैं खुद का मालिक नहीं हूं, मुझे
उसे अकल देने वाला वो है, उसे ताकत देने वाला वो है, उसे शौकत देने वाला वो है, उसे काम देने वाला वो है, उसे धन देने वाला वो है, उसे संभालने वाला वो है। यदि ये बात मुझे पता है तो मैं हर दिन वो मालिक के लिए जीता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जीते जीते उसको पता है, जिंदगी हो या ना हो, यदि मैं हर दिन खुद को घटाता हूं और उस मालिक के लिए जीता हूं, जिंदगी हो ना हो, मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचने का लायक या काबिल बनता हूं। आमीन, हालेलुया। तो इस पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूंगा मतलब क्या? मैं प्रार्थना कर रहा था, जैसे छोटा बच्चा बाप को सवाल करता है, मैं प्रार्थना में सवाल करते गया और मैंने कहा कि प्रभु मुझे मेरे लोगों को एक लाइन में समझाना है। तो मैंने उस वचन को पाया जो वचन हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है उस वचन ने ऐसा कहा है कि हम इस संसार में मुसाफिर है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। जो कहते ना मेरा ये है, मेरा बंगलो है, मेरा प्लॉट है, मेरा घर है, मेरा ये है वो है, पता नहीं कल की सुबह देखता ही नहीं देखता। पुनरुत्थान तक पहुंचना मतलब मुझे अपने आप को यह बताना है, मेरा सफर इस संसार में कभी भी खत्म हो सकता है। जब परमेश्वर के महान दास बिली ग्राम जब प्रभु में सो गए, आई थिंक 94 के ऊपर उन्होंने सेवकाई की, भारत में उसको बैन किया था, क्योंकि बिली ग्राम नाम के सेवक ऐसे थे, उनकी सभा में ना अंधा देखता था, ना नंगड़ा चलता था, ना कोई हीलिंग, ना कोई मिरेकल होता था। लेकिन जब बिली ग्राम केवल आधा घंटा प्रचार करता था ना, तो जितने लोग आए हैं उतने सालों का जीवन परिवर्तन होकर वो उद्धार हो पाता है। हमारी सरकार का बिली ग्राम के बारे में ऐसा स्टेटमेंट है कि ये आता है सालों का उद्धार करके जाता है। उनकी मीटिंग में कोई चमत्कार नहीं हुआ, जब वो संसार से चल बसे तो जाने से पहले उनको पता था मेरा समय नीचे आया है। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है, मैं इस संसार में मुसाफिर हूं, अब मेरा यहाँ का सफर खत्म हुआ है, मैं मरा नहीं हूं, मैंने केवल मेरा एड्रेस चेंज किया है। हालेलुया। जो प्रभु को कहता है मैं घटू तू बढ़े, जो प्रभु को कहता है तू मालिक है, जो इस तरीके से जीवन जीता है, भले उसको शायद किस गड्ढे में जगह मिलती है, लेकिन उसकी आत्मा को एक नया पता मिलता है जो यीशु मसीह के पास होता है। हालेलुया। इसलिए मौत का डर उन्हीं को लगता है जिनको उद्धार का अनुभव नहीं है। आमीन। मसीह परिवार में जीने से उद्धार नहीं होता है, मसीह को अपनाने से उद्धार होता है। और चौथी बात उसने कहा कि मसीह को भाते रहना, यीशु को भाते रहना। इसका मतलब क्या? इसलिए मुझे प्रभु ने बहुत बड़ी लाइन लिखी थी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अपने जीवन से मसीह का प्रदर्शन, मसीह यीशु ने दिए हुए फलों से और मसीह यीशु ने दिए हुए वरदानों के द्वारा इस संसार में, जब तक हम इस संसार में हैं, उसके वचन के अनुसार वचन पर जीवन जीना। हालेलुया। बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। सिंपल वे में जो वचन मुझे समझा है, उस वचन के द्वारा, केवल संडे का वचन नहीं, हमारी रोज की रोटी हम रोज घोल कर खाना चाहिए। जो वचन मुझे मिला यदि क्षमा करने के बारे में, जो वचन मुझे बताया गया है कि अपने शत्रु से प्रेम करने के बारे में, जो वचन मुझे दिया गया है कड़वाहट को छोड़ने के बारे में, जो वचन मुझे दिया है कि प्रभु की सेवा करने के बारे में, उस वचन के साथ वफादार रहना मतलब मसीह को भाते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके आगे में प्रार्थना में जुड़ गया, बोला आज प्रभु मुझे और बहुत सारी बातों में आगे चलना है, क्योंकि ये केवल मैं नींव रख रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ, लेकिन आगे चल के बाइबल में विश्वास के ऐसे महावीर है कि वो स्त्री होगी या पुरुष होगा जिनके जीवन में ऐसे कुछ पड़ाव आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर से परमेश्वर का जुनून खोया नहीं। हालांकि उनके हालात बदतर थी, लेकिन उन्होंने हालात को नहीं देखा, हालात को बदलने वाले को देखा, इसलिए वो जयवंत से जयवंत हो गए। आमीन। अब मैं सोच रहा था कि हमारे भीतर ये आत्मिक धुन जो है वो घटने का कारण क्या है, जाने का कारण क्या है। उसमें से पहला कारण मुझे मिलता है, वो कारण है
संसारिता का अधिक प्रभाव होना। इसका प्रभाव संसारिता, इस दुनिया में जो हम जी रहे, इस दुनिया से हम जाएंगे एक दिन, लेकिन मेरे ऊपर कौन सी चीज का अधिक प्रभाव है? आप जब भी आते हो ना तो आपके पहनाव से पता चलता है कि आपके ऊपर संसारिकता का प्रभाव है या आत्मिकता का प्रभाव है। शायद हम लोग कहेंगे वहां पे चॉइस में वैसी कपड़े पहनती है, वो वेस्टर्न कंट्री में, हम भारत नाम के एक संस्कृति देश में रहते हैं। भारत में जिसे एक बड़ी उपाधि दी गई, जिनकी लाश भी आप तक मिली नहीं, जिनका नाम है साधु सुंदर सिंह, जो हमारे पुणे शहर में आकर गए, जिनको नाम दिया गया था, खुद के पैरों का लथपथ भेजी थी, उनको एक उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी पैरों में चप्पल नहीं पहनी, वो बक्सों में बिना चप्पल भी जाते थे, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ऐसी ऐसी जगह पे सुसमाचार बताकर आते थे। उन्होंने बहुत सुंदर राय लिखी है, यदि भारत को जीतना है तो भारत के पहनाव से जीतना होगा। समझ में आ रहा है? आज मुझे आपको बता रहे हैं संसारिकता का प्रभाव। मैं ये नहीं कहता हूं कि फैशन मत करो, लेकिन फैशन किधर तक होनी चाहिए उसके ऊपर भी मर्यादा होनी चाहिए। कौन से पहनाव से मैं आता हूं, ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज संसारिकता का जो अधिक प्रभाव है, जिसका एक बड़ा निशाना जो युद्ध बन गया है, वो है मनोरंजन, आकर्षण। आप सबको अधिक पैसा चाहिए, गाड़ी, बंगला, बड़ी वस्तु चाहिए, और सबसे अधिक क्या हुआ पता है? संसारिकता का प्रभाव इतने बड़े पैमाने में बढ़ गया है कि इंसान जो कहता है जीसस आई लव यू, वो जीसस आई लव यू केवल मूल को ही बोलता है, लेकिन वो खुद से अधिक प्रेम करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे आएगा तो वो मेरा चेला हो सकता है। हालेलुया। मैं अपने आप से कितना प्यार करता हूं, ये भी संसारिकता का ध्रुव दर्शाता है। ऐश्वर्या, दुनिया की लाइफस्टाइल, कुछ लोगों का खेलकूद में दिन चला जाता है, फिर वो खेलकूद अभी मैदान के कम हो गए, मोबाइल में आ गए। रात कैसी खत्म होती है, दिन कैसे खत्म होता है, पता नहीं चलता है। क्या इस संसारिकता का प्रभाव मेरे अंदर क्या आत्मिक धुन को कम तो नहीं कर रहा है? आज मुझे उसको जांचना होगा। आज बहुत सारे लोगों के अंदर से आत्मिक धुन कम होने का दूसरा कारण यह है, असफलता, फेल्यूर लाइफ, जॉब में असफलता, बिजनेस में असफलता, पढ़ाई कर रहा है, पहले सोचा मैं साइंस साइड जाऊं, बाद में कह रहा है मुझे नहीं जमना, मैं कॉमर्स साइड आ रहा हूं। कहीं ना कहीं समय की बर्बादी के वजह से आज कहीं ना कहीं वो निराशा अंदर आने के वजह से, जो पहले आत्मिक धुन में चलने वाला व्यक्ति आज मायूस होकर तो नहीं बैठा है। आज केवल मैं आपके सामने आपकी बीमारी रख रहा हूं, उसके बाद उसका इलाज ही बताऊंगा, क्योंकि पौलुस ने हमें बहुत सारी बातों से सिखाया है। कुछ लोगों के समय बर्बाद हुए, मेरा एक समय था, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहती थी, मेरा समय बर्बाद हुआ। ये दो साल का लॉकडाउन ने बहुत सारे युद्ध का समय बर्बाद किया है, लेकिन मैं उस युद्ध को उन जवानों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर को हजार साल आप एक दिन, मतलब आपके जो दो साल है परमेश्वर की दृष्टि में दो सेकंड है। हालेलुया। जो आपको लग रहा है कि मेरे दो साल बर्बाद हो गए, या शायद आपके घर में कुछ ऐसी बात हो गई बीमारी के वजह से, या कुछ के बातों के वजह से कुछ कर्ज आपके ऊपर हुआ है, आप बैठे कैसा होगा? योएल 2:25 में परमेश्वर का विवचन है, और वो कहता है कि मैं तेरी भरपाई करूंगा। जकरिया 9:12 में वो कहता है मैं तुझे दुगना दूंगा। मेरा परमेश्वर जिंदा है, अब वो वचनों का परमेश्वर है, वचनों को वो खुद पालता है, अब वो वचन के अनुसार मेरे जीवन में जरूर काम करता है। हालेलुया। कुछ लोगों का करियर कहीं ना कहीं रुक गया है, सोचा था किसी ने बताया ये करो वो करो, लेकिन आपके पता चला है कि ऐसे लोगों को कोई नौकरी नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के परिवार में परिवार टूट गए, तलाक हो गए हैं, और इन सब बातों से कहीं ना कहीं ये मायूसी आने की वजह से
ये असफलता की वजह से कहीं ना कहीं जो पहले आत्मिक धुन में रहते थे, जो प्रभु के भवन में दौड़ दौड़ कर आते थे, जो प्रभु के काम के लिए यहोवा जाते थे, लोगों को सुसमाचार बताते थे, आज उनका मुंह बंद हुआ है असफलता के कारण। लेकिन चिंता मत करो, सफलता देने वाला जिंदा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया है, समझ लो, प्रभु ने आपको कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। कलाम कहता है वो निगानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का इस्तेमाल करता है। वास्तविक मैं मेरे ऊपर से कहता हूं, मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं इस पुलपिट पे आकर आपको प्रचार करूं। पूरे शहर का 1998 के पहले का एक नामी कुंडा हुआ करता था, इस मुंह से चार गालियां एक शब्द में आ जाती थी। ऐसे व्यक्ति को यदि वो इस्तेमाल कर सकता है तो आप में मुझसे बेहतर हो, खुदावन आपको मुझसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको ढूंढना है कि ऐसी कोई असफलता, शायद आप सालों से शादी हुई है, नैतिक की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक आपके पीछे से जिनकी शादी हुई है उनके बच्चे पैदा हो रहे, लेकिन अभी तक आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हमने को उसी बात से बुलाया जाता था, चिढ़ाया जाता था, उसके पीछे से परिणाम उसको ऐसा बच्चा हुआ जिसका इतिहास गवाह है, वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन गया, वो महायाजक बन गया, वो परमेश्वर इस्राएल लोगों का वो न्यायी भी बन गया। हालेलुया। पनिन्ना के बच्चों का जिक्र नहीं है कि वो क्या बने, लेकिन हन्ना को लेख मिला, लेकिन ऐसा सैमुएल मिला कि उसने दाऊद नाम के राजा को अभिषेक किया। आमीन। कोई बात नहीं, आपको असफलता बिजनेस में आइए, नौकरी में आइए, परिवार में आइए, कुछ सेवा करने वाले होंगे, चाहे सेवा में आपको कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु आपने जहां पर भी जो बोया है ना, एक समय आएगा आप वहां पे कटनी के लिए खुदावन के नाम में खड़े हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं आज बातों से आपको लगता होगा कि मेरे जीवन की यह असफलता मेरे अंदर उस जुनून को कम किया है, निश्चित ये बात सच है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यदि इन सब बातों को छोड़कर नई शुरुआत करोगे तो जैसे पतरस डूब रहा था, प्रभु को कहा बचा ले प्रभु जी, उसी वक्त उसने हाथ बढ़ाकर उसको बाहर निकाला, उसी वक्त वो आपको भी बाहर निकाल कर कामयाब जरूर बनाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तीसरी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी दुखती दस पर उंगली रखने वाली बात होगी, लेकिन ये सच्चाई है। तीसरी बात मैं प्रभु को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ऐसी कौन सी और बात है कि जिसके वजह से लोगों के अंदर से ये आत्मिक धुन या स्पिरिचुअल झील कम हुआ है। मैंने आवाज सुनी दुख, और कुछ लोगों के दुख केवल शारीरिक और भावनिक है, आत्मिक नहीं है। आत्मिक दुख किसे होता है पता है? यदि वो किसी कारण से प्रभु के भवन में नहीं आता है ना, तो वो इतना दुखी होता है कि मैं प्रभु के भवन नहीं जा पाया हूं। भजन संहिता 84 पर घर पढ़ो, वहां पर वो लोग आपको दिखेंगे जो प्रभु के भवन में आने के लिए तड़पते हैं। आत्मिक दुख बहुत दूर हो गया। अब तीसरी बात, बहुत सारे लोगों के जीवन से ये जुनून खत्म होने का कारण यह है, किसी व्यक्ति की अचानक हुई मृत्यु। मैं आपको आंसू बहाने के लिए बातें नहीं कह रहा हूं, मैं उससे आपको उसका इलाज भी देने जा रहा हूं। शायद ऐसी कुछ घटना आपके जीवन में घटी होगी, किसी प्रिय व्यक्ति की, मैं भी उसमें से गया हूं। मेरे भी कुछ समय तक मैं किसी बच्चे के बर्थडे में जाता था, मुझे मैं टेंशन होता था, मैं भी उस परिस्थिति से गुजरा हूं। अब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं उसमें से उभरा हूं परमेश्वर के कलाम के द्वारा। और आज यदि कोई उस दुख के द्वारा उस आत्मिक खुद से कहीं ना कहीं दुखों की गहरी खाई में चला गया है, यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा कर तुम्हें उसकी चट्टान पर खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, बार बार बीमारी आती रहती है, ये खत्म किया तो दूसरा आ रहा है। ये बार बार बीमारी कहीं ना कहीं आपका हो या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको हफ्ते में दो वक्त आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, शायद ये दुख आपको परमेश्वर की धुन से दूर कर रहा है क्या?
इसलिए मैंने कहा कि आपकी दुख की नस में उंगली रखने वाली बात है। तीसरी दुख की बात यह कि कभी कभी हमने जिनके लिए दिन रात एक किया हुआ होता है, जिनकी औकात नहीं उनको कंधे पे बिठा के घुमाए हैं, लेकिन वही लोग हमें अपमानित करते हैं। अब ये बात सहन नहीं होती है। दिन रात मनुष्य छप्पर देखते रहता है, क्यों ऐसा मुझसे साथ हुआ? अब ये बात क्या करती है पता है? हमारे अंदर से उस सोच में हम चले जाते हैं और इस दुख के द्वारा हम परमेश्वर के भवन के धुन से दूर चले जाते हैं, उसके धुन से दूर चले जाते हैं, जुलूस से दूर चले जाते हैं। हमारे अंदर से उस उमंग को हम गवा देते हैं। अब ये होता है, हम मनुष्य, मेरे साथ हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जाकर ढूंढ के लाओ अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो जिंदगी में उसके घर के बर्तन हम धोएंगे। हर एक व्यक्ति ने इस बातों को सहन किया है, हर एक व्यक्ति को उसमें से गुजरना पड़ा है। आगे बार जब देखे किसी के साथ जब धोखा होता है, जब आप किसी पर बहुत विश्वास करते हो, और इन दिनों में ये यंग जनरेशन बहुत धोखा खा रहे क्योंकि अट्रैक्शन के पीछे जा रहे ना। अब ये अट्रैक्शन आज इतना उनका नुकसान कर रहे कि आज उनकी दिन रात एक होने की मैंने ये निर्णय लिया ही क्यों। अब यही धोखा कहीं ना कहीं आज दुख का कारण बनाए, और इसी बात में कुछ लैला कुछ मजनू बने हुए जो प्रभु के दीवाने होते थे, जो अपने दुखों के दीवाने बने हुए। असलियत से वाकिफ करना चाहता हूं, आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि खुदा का कलाम आईना है। अब आईना आपको केवल असलियत बताता है, आईना आकर आपके उलझे हुए बालों को संवारता नहीं है। आपके उलझे हुए बालों को, आपकी उलझी हुई जिंदगी को यीशु के नाम में आपको संवारना होगा। आमीन, हालेलुया। नुकसान कुछ किया किसी के लिए, लेकिन ऐसा सोचा कुछ होगा, लेकिन वहां पर नुकसान, वो नुकसान हमने कुछ शायद आपने आपका कुछ कीमती चीज बेचकर वो पैसा दिया होगा, लेकिन वो नुकसान हो गया, वो व्यक्ति गायब हो गया। ये दुख है क्या? उसके वजह से कहीं ना कहीं अकेलापन आया है क्या? कुछ अपने लोगों के ताने सुन सुनकर आप थोड़ा अकेले हो गए क्या? ये अकेलापन हमें खुदावन की धुन से आनंद लेकर जा रहा है। मैं सत्य बात बता रहा हूं, ये बातें मैंने कोई प्लान करके नहीं। मैं जब तुफे में आया बहुत अच्छा समय बीता, और मैं सवाल करने जा रहा था, केवल सवाल कर रहा था और जवाब सुन रहा था, क्योंकि मुझे आज आपके लिए उस संदेश को लाना है। क्योंकि आज से मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से ये सभी प्रकार के बंधन टूट जाए और उस आत्मिक धुन में आकर आप खुदावन के लिए मिसाल बने, ऐसा जीवन आपका हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को पारिवारिक सताव है जो खुलकर बता नहीं सकते कि मैं चर्च जा रही हूं या जा रहा हूं। उन पारिवारिक सताव के कारण उनको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में आना है, लेकिन उनको आना नहीं मिल रहा है। पारिवारिक सताव से कुछ लोग ताने मार रहे, इतने दिनों से चर्च जा रहा है, इतने दिनों से चर्च जा रही, क्या हुआ तेरी जिंदगी में? शायद ये बात का दुख तो नहीं कि जो मुझे उस परमेश्वर की धुन से दूर लेकर जा रहा है। आज कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आई हुई है, रहते तो एक घर में लेकिन मनों में दरार आ गई है। जो एक दूसरे का आदर करना चाहिए, दूसरे की बातों को समझना चाहिए, समझ कर चलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम फेल होते जा रहे। रिश्तेदार साथ में रहते तो है, लेकिन रिश्तों में दरार आ गई है। क्या शायद इस बात का दुख तो नहीं जिसके वजह से मेरा प्रार्थना जीवन खत्म हुआ है, मेरा बाइबल पढ़ना खत्म हुआ है, प्रभु में बढ़ना मेरा खत्म हुआ है? क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं मुझे रुकावट बन गई है, कहीं ना कहीं मुझसे मेरे ऊपर ज्यादती की जाती है, मेरे अच्छाई का सिला मुझे बुराई से दिया जाता है, मेरे कुछ अच्छे कामों पर इस तरीके से बताया जाता है जिस प्रकार से किसी पर अत्याचार किया जाता है। कुछ लोगों ने शायद आपका मिसयूज भी किया होगा। मुझे आपको बताना है, जिसने आपका मिसयूज किया है, आपको टिश्यू पेपर बनाया होगा है ना, बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने शायद टिश्यू पेपर बनाया होगा, लेकिन वही परमेश्वर आपको उठाकर किसी के उद्धार का कारण बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कभी सोचते मेरा इस्तेमाल क्यों हुआ ऐसा, मेरा गलत इस्तेमाल क्यों हुआ है? लेकिन खुदा कहता है मैं ऐसे ही टूटे फूटे बर्तनों को छोड़कर मेरी महिमा का पात्र बनाता हूं। आमीन, हालेलुया। कहीं ना कहीं इन बातों से हमने किसी के लिए कुछ किया, बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए,
अब इस कब्जे के वजह से ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, रो भी नहीं पा रहे, सो भी नहीं पा रहे। अब ये दुख कहीं ना कहीं दिन रात खा रहा है। गलतियां आपसी मत उठाओ। अब आखिरी बात जो है, लोगों से उम्मीद की थी लेकिन उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। बहुत उम्मीद की थी ये मेरे लिए ये करेगा, इसलिए मैं हमेशा मिनिस्ट्री के पहले दिन से बताता हूं, उम्मीद इंसान से मत करो। फिर आपके रिश्ते नाते क्यों ना हो, उम्मीद करनी है तो जीवन देने वाले परमेश्वर यीशु से करो, क्योंकि वो उम्मीद का दाता है। उम्मीद को आशा कहा जाता है और यीशु का एक नाम है आशा का दाता। हम कभी कभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा लड़का, मेरी लड़की मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, माँ बाप मेरे लिए ये करेंगे, भाई ये करेगा, बहन ये करेगा, पति ये करेगा, पत्नी ये करेगा, छोड़ नहीं सब बातें, मेरे लिए जो कुछ भी करेगा मेरा यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। आप कुछ लोग इसी बातों में जिंदगी में रोते रहते, मेरा लड़का देखता नहीं। लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो। यदि आप उम्मीद नहीं करोगे ना, और उसके बाद जो मिलेगा ना वो आपको आनंदित करेगा, लेकिन यदि हम उम्मीद करेंगे 1000 रुपए की और वो 100 भी नहीं देगा तो हम दुखी होंगे। यदि हम 100 की भी उम्मीद नहीं करेंगे तो वो 10,000 देगा तो कितनी खुशी होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं केवल आज कारण बताऊंगा, जुनून घटने का कारण। चौथा कारण है गलत समझौता। आपको पट लीजिए मेरी बात। नंबर एक पे क्या है, संसारी बातों का अधिक प्रभाव। फिर उसमें सब आ गया, फैशन, मनोरंजन, आकर्षण, पैसा, पानी, गाड़ी, बंगला, नौकरी, छोकरी, टीवी, बीवी, सब आ गया। दूसरी बात है असफलता। कई बार मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, आपको बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने हमको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया। मैं हिंदी में बोल चुका हूं, प्रभु ने हमको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने हमको फेथफुल होने के लिए बुलाया है। आमीन। सक्सेसफुल आपको केवल उसी वक्त आपको सक्सेस करेगा, लेकिन अगर आप फेथफुल रहोगे तो आप हर दिन एक जैवन जीवन जियोगे। आमीन। तीसरी बात दुख। अब किस प्रकार के दुख को बता चुका हूं, ये सारे शारीरिक और भावनिक दुख है। आप भी पूछ रही है। अब चौथी बात है गलत समझौता। अब ये गलत समझौता कब होता है पता है, समाज के डर से। समाज क्या कहेगा, जिसकी वजह से कुछ लोग विश्वासी है कहने के लिए भी डरते हैं। विश्वास करते हम लेकिन समाज के डर से, मृत्यु के डर से, कहीं पर नौकरी छूटने के डर से, बिजनेस में घाटा होने के डर से, करियर के डर से, रिश्तों का डर, अपना महत्व खत्म होने का डर, ये सारे डर क्या करते पता है, समझौता लेकर आते। एक एग्जांपल है, नौकरी कर रहे हो आप और आपको अगले इन दिनों में, अभी अगले महीने से सारे फेस्टिवल शुरू होंगे, घंटियां बजेगी, कुछ ना कुछ आपके हाथ में थमाया जाएगा। अगर आप केवल कहेंगे हाँ मैंने दिया है, डस्टबिन में फेंक दिया है, यदि आप सच्चे प्रभु के लोग है ना, आप उनको सुसमाचार बताओ, मेरे प्रभु को ये भाता नहीं है, इसलिए मेरे प्रभु के नाम में मैं रोऊंगा नहीं। यदि आपका रिश्तेदार कहीं किसी पहाड़ पर, अभी इन दिनों में लोग अलग अलग पहाड़ पे जाएंगे, आप भी संडे चर्च को पिकनिक बोलकर उधर जाएंगे, तो ये भी एक समझौता कहीं ना कहीं आपके आत्मिक जुनून को खत्म करेगा। अब हमेशा मैं बोलता हूँ, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आता है, संडे चर्च के दिन लोग प्रभु को छोड़कर शादी ब्याह में एक दो दिन पहले चले जाते हैं। ये एक समझौता है रिश्ता टिकाने के लिए। ये रिश्ता टिके या ना टिके, लेकिन स्वर्ग का रिश्ता टिके ऐसा जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब प्रभु के भवन में आना है उसी दिन आपको बहुत अच्छी अच्छी दावत आएगी। उसी दिन में आपका होगा कि मुझे प्रभु के भवन आकर प्रभु को खाने वाली बात करनी है या रिश्ते नातों को संभालने की बात करनी। जिन रिश्ते नातों को संभालने के लिए आपने प्रभु का भवन छोड़ा है ना, आपका अनुभव होगा वो सारे आपके खिलाफ होंगे इन दिनों में। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं असलियत से वाकिफ कर रहा हूं। क्यों गए थे, मौसी की बेटी की शादी, फूफी के बेटे की शादी, मामा के बेटे की शादी। आज की बातों के लिए जो समझौता मैंने किया है, आज कहीं ना कहीं ये समझौता नौकरी बचाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए,
समाज के डर से, खुद के आनंद के लिए बहुत से बार समझौता होता है, कुछ नहीं होता है खुद से। लेकिन सच्चा बसी परमेश्वर के भवन के बिना वेदा नहीं, क्योंकि आज हमने पढ़ा है कौन सा वचन पढ़ा, भजन संहिता 119 वचन 139 में तेरी धुन मुझे भस्म कर रही है। संडे को परमेश्वर की धुन हमें भस्म करना चाहिए और मंडे को सैटरडे उसकी धुन मुझे भस्म करनी चाहिए, जिसके लिए मैं जीता हूँ, जो मेरा मालिक है, जिसने मेरे लिए बलिदान दिया है, मैं उसका हूँ और वो मेरा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है कि थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचो, आने दो संडे को न्योता, आने दो संडे को आपको जब दावत, तब देखना है कौन किसका है। मेरे खिलाफ बहुत सारे रिश्ते नाते हो गए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे उनको भागने के लिए संस्था में धक्का नहीं है। 1998 में पहले यदि यीशु नहीं आता था तो 4-6 के घंटे में हडसन में पड़ा हुआ होगा। उसने जीवन दिया है, आप उसे वायदा किया है, जीवन का उसके लिए, मरण का उसके लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैंने आज आपसे डायरेक्टली बात की है क्या? क्या ये बात सच्ची है क्या? यदि ये बात सच्ची है तो जिनके ऊपर संसारिकता का प्रभाव है, जो असफलता या नाकामयाबी के द्वारा कहीं ना कहीं आज मायूस है, जिनके जीवन में नाना प्रकार के दुखों की लिस्ट मैंने पढ़ी है, उन दुखों का प्रभाव है, या कहीं ना कहीं कुछ गलत समझौते हमसे हुए जिसके वजह से हमने उस परमेश्वर की आत्मिक धुन को खो दिया है, उसके भवन की धुन को खो दिया है, उसकी धुन को खो दिया है। अब कहीं ना कहीं आज हम बताने के लिए तो मसीह है, लेकिन हमारे अंदर से वो आग कहीं ना कहीं खत्म हुई है। हम ना तो ठंडे ना तो गर्म गुनगुने बने हैं। परमेश्वर हमें उगलने से पहले वो कहता है, मैं तुझे समय दे रहा हूं, मन फिरा और फिर से संगम हो जा, मैं तेरा इस्तेमाल फिर से करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं गलतियां होगी, नहीं होगी गलतियां से, तू परेशानी आई हमारे जीवन में, लेकिन उन्हीं बातों पर विचार करने से कुछ नहीं होगा। ये समय है अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपने का। यदि मेरे ऊपर संसारिकता का प्रभाव है तो उसके लिए पश्चाताप करूंगा, वो नहीं, संसार में मैं रहूंगा, लेकिन जो जरूरत है उसके अनुसार ही मेरा जीवन केवल तेरे लिए रहेगा। राजा प्रभु, मैं केवल तुझको पसंद आ वैसा जीवन दे दो। बहुत सारी बातों का प्रभाव आज मनोरंजन की दुनिया ने हमारे घंटों खराब किए हैं, फैशन की दुनिया ने हमें प्रभु की ओर से दूर कर दिया है। वो चाहता है जो संसारिकता की धुन में है वो अपने आप का पश्चाताप करे, मन फिराए और आत्मिकता की धुन में आए। मैं इंतजार कर रहा हूं। इफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, याद कर तू घास से गिरा, लौटा और अपने मन को फिरा। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, उस पहले प्रेम में हमें प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन आज दुनियादारी की बातों ने हमें इतना ऊंचा दिया है कि हम संसारिकता में फंसे हुए, हम नाकामयाबी की बातों में दिन रात उसी सोच में पड़े हुए, हमारे जीवन की दुखों में पड़े हुए और नाना प्रकार की गलत समझौते हमने किए, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं हम आज हारे हुए हैं। वो आज हमें जीवन करना चाहते, उड़ाओ पुत्र भी इन्हीं बातों में पड़ा था, लेकिन जब वो होश में आया, बाइबल कहती है, वो कहता है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और मेरे पिता के खिलाफ पाप किया है। आइए आज हम चाहता है हर एक व्यक्ति, मैं निश्चय विश्वास करता हूं आज का ये जो रेमा वचन आया है, जो मैंने प्रभु की ओर से सुनी हुई बातें हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज ये सारी बातें आपके आत्मिक जीवन को फिर से उस अग्नि में भड़काने के लिए आई है, आपके आत्मिक जीवन को उजागर करने के लिए आई है, आपको फिर से मसीह को प्राप्त करने के लिए आई है, आपको फिर से पुनरुत्थान का काबिल होने के लिए आई है, आपको फिर से उसके मृत्युजय का सामर्थ्य और उसके दुखों का सहभागी होने के मर्म पहचानने के लिए आई है। ये सारी बातें फिर से प्रभु को हम कैसे भाए, इन बातों के लिए आई है। तो क्यों ना आज हम अपने जीवन को खुदावन के चरणों में निछावर क्षमा मांगे कि प्रभु हमने जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां तेरे खिलाफ किए, बहुत सारे गुनाह हमने तुझसे किए,
हमें क्षमा कर और फिर से उस आखिरी धुन में उस छोटे बच्चे के समान हम तेरे लिए प्रभु उस धुन में चलते रहे। ऐसी आग हमारे अंदर चलने दे, ऐसी आग हमें चलने दे। आज वो आग मांगे कि जो प्रभु के लिए चलती रहे, हमारा ये जीवन उसके लिए जीवित दशा में चलता रहे, वो आग आज हम मांगे। थैंक यू लॉर्ड, क्षमा कर। बहुत सारे बुरा जाने अनजाने हमने किए, जान कुछ कर किए, क्षमा चाहते हैं आज। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने तेरे और तेरे खिलाफ ही पाप किया। दाऊद कहता है कि मेरे पाप की गर्भावस्था में था तब से मैं पापी हूं। वो कहता है कि फिर से एक बार मेरे भीतर वो उल्लास की आत्मा डाल दे, ताकि मैं नए जीवन की शुरुआत करूं, पापियों को तेरा मार्ग बताऊं। आई उस मर्म को जानकर आज फिर से एक बार उससे वायदा करें, क्योंकि ये संदेश बहुत आगे जाने वाला है जो आपके जीवन को आग लगाने वाला है। अब जब आप उस धुन में आओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभु के भवन की धुन में चलने के लिए और प्रभु की धुन में चलने के लिए रोक नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन की बातें हमें उलझाने के लिए आई है। जो चीजें हमें दी गई है जिसे हमने अधिक इस्तेमाल केवल अपने स्व आनंद के लिए किया है, आइए अब आज आप उससे वायदा करती, प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।